इंदौर के रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाया गया। इस मौके पर पश्चिम रेलवे DRM रूप नारायण सुनकर के साथ संत निरंकारी चैरिटेबल ट्रस्ट के लोगों ने रेलवे स्टेशन की सफाई की। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छता अभियान की शुरुआत करने के बाद लगातार लोगों में स्वच्छता के प्रति अवेयरनेस आई है। इंदौर रेलवे द्वारा भी स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया, जिसमें रेलवे अधिकारियों सहित रेलवे में कार्यरत कर्मचारियों ने सफाई अभियान चलाया। शनिवार को रेलवे स्टेशन पर पश्चिम रेलवे DRM रूप नारायण सुनकर पहुंचे और स्वच्छता पखवाड़ा चलाया। DRM ने बताया कि स्वच्छता अभियान एक दिन नहीं बल्कि रोज चलना चाहिए और इसी को लेकर रेलवे लगातार स्वच्छता अभियान चला रहा है, जिसमें रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी, अधिकारी, पैसेंजर्स, समाजसेवी संस्थाओं सभी का सहयोग मिल रहा है और स्वच्छता लगातार की जा रही है। करने वाला कार्य है, एक तो स्वच्छता पखवाड़ा एक बहाना है कि हम लोगों को एक बार इंटेंसिव क्लीनिंग करके इतना अच्छा बना दें और फिर उसको हम लोग एक बार हमारा जैसे स्तर तय हो गया तो सब फिर एक बार आप उसको मेंटेन करके रखना है, उससे आगे बढ़ना है। केवल आइडिया इसका यही है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि सभी जगह खुद में जा करके जब हम खुद शामिल हो जाएंगे तो सारे लोग शामिल होते हैं। तभी आपने यहाँ देखा होगा मेरे सारे अधिकारी, सारे जो सुपरवाइजर्स हैं, सभी लोग सहयोग करके जो भी हमारे जो आज की डेट में निरंकारी ग्रुप है उन लोगों ने जो आ करके अपने आप खुद सहयोग दे रहे हैं, उनके इतने ज़्यादा इतने अच्छे अच्छे लोग इसमें शामिल हैं तो सारे लोग जो है परिवारों के सहित आ करके, कई डॉक्टर्स हैं, कोई बजट्स, कोई बिजनेसमैन है, वो सारे लोग हमें सहयोग कर रहे हैं। हमने पैसेंजर से भी अपील किया था, पैसेंजर्स भी हमें सहयोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा कुली भी हमारे साथ में सहयोग में है, हमारे पास जो रिक्शा चालक वो भी आ करके, सारे लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। तो एक तरह से ये एक बहुत अच्छा माहौल है, मुझे लगता है कि हम लोग जो है इसमें आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा कर। कुल मिलाकर PM मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को सार्थक बनाने के लिए इंदौर हर तरह से अहम भूमिका निभा रहा है। इसी कड़ी में इंदौर रेलवे स्टेशन ने एक कदम आगे बढ़ाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।